संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का इसराइल फिलिस्तीन विवाद पर बयान। भारत की तरफ से जहां 7 अक्टूबर को हुए हमले पर जताया गया दुख, वहीं फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का भी किया समर्थन। देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ रावण दहन, इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को दिलाए 10 संकल्प, कहा पानी बचाएं और ज्यादा से ज्यादा करें डिजिटल लेन देन। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज कोविंद समिट की बैठक, लॉ कमीशन चुनाव कराने को लेकर रोड मैप करेगा शेयर, एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर होगा विचार। आज सीएम योगी स्मार्ट क्लास का करेंगे शुभारंभ, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को वितरित करेंगे टैबलेट। विजयादशमी पर संतों की अदालत में दंडाधिकारी बने नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, संत समाज से जुड़ी समस्याओं को सुना और उसका समाधान निकाला। मध्य प्रदेश में नहीं होगा इंडिया गठबंधन, अखिलेश बोले हमारी और कांग्रेस की सोच में फर्क, सपा उतारेगी अपने 50 प्रत्याशी। गांव में जमीन के विवाद होंगे कम, गांव में भी शुरू हुई मैपिंग, आबादी की जमीन पर रहने वालों को घरौनी दे रही यूपी सरकार। अंतरिक्ष यात्रियों के दिल की धड़कन बताएगी आईआईटी बीएचयू की डिवाइस, लाइफ सिस्टम की हर पल होगी मॉनिटरिंग, एस्ट्रोनॉट के बीपी पल्स हार्ट मसल्स का चलेगा पता। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, मोइत्रा की सांसदी पर लटकी तलवार, महुआ पर कुत्ता चोरी और ब्लैकमेल के भी गंभीर आरोप। मुरादाबाद की बीजेपी महिला नेता की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, वाहन में आग लगने से जिंदा जली, फोन कॉल से हुई पहचान।